नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हाल ही में हमारे केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने एशिया का, ध्यान रखिए, एशिया का, इंडिया का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को इनॉग्रेट किया है पंजाब में। तो इस वीडियो में हम इस करंट अफेयर से जुड़े सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करेंगे, क्योंकि ये एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है। तो इसलिए आप जानते हैं कि करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ स्टैटिक जीके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है इस साल में, बल्कि अगले से अगले साल भी ये सवाल पूछा जा सकता है कि एशिया का सबसे लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ पर है। तो इसको आपने ध्यान से अंत तक देखना है, और अगर आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हाल ही में हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ध्यान में रखिएगा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ किसके, कौन सी मिनिस्ट्री, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी, इन्होंने एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस CBG प्लांट पंजाब में इनॉग्रेट किया। पंजाब में कहाँ पे? लेहरा गागा। तो पंजाब में लेहरा गागा नाम की जगह पे सबसे बड़ा एशिया का कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट इनॉग्रेट किया किसने? मिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब ये जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है लेहरा गागा में, इसको 230 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, और टोटल एरिया जो इस पूरे के पूरे प्लांट ने कवर किया है वो है 20 एकड़। तो 20 एकड़ की ज़मीन पे, लैंड पे 230 करोड़ से बना है एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट पंजाब के लेहरा गागा में। अब ये जो प्रोजेक्ट है, इसे कमीशन किया गया विद FDI, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कहाँ से? वर्बियो AG, जो कि एक लीडिंग बायो एनर्जी कंपनी है जर्मनी में। तो आपने बस इतना रखना है कि जर्मनी के वर्बियो AG के FDI के माध्यम से इस प्रोजेक्ट को कमीशन किया गया है। अब देखिए, ये जो CBC प्लांट है, ये करंटली कैपेबल है 6 टन ऑफ पैडी स्ट्रॉ को प्रोसेस करने में हर दिन। एक दिन में 6 टन पैडी स्ट्रॉ जो है उसको प्रोसेस किया जाएगा। अब आप सब जानते हैं, जैसे अभी हाल ही में भी आजकल ये खबरों में है, पोल्यूशन लेवल दिल्ली में कई बार हम देखते हैं कि पैडी स्ट्रॉ को जब जलाया जाता है, जैसे ये है पैडी, तो जो आखिर में उसको पूरी प्रोसेसिंग के बाद जो बच जाता है उसको फिर जलाया जाता है किसानों के द्वारा, जिससे पोल्यूशन होता है। तो इसलिए अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो, एक दिन में ही 6 टन पैडी स्ट्रॉ को ये प्रोसेस करेगा, अभी जब से ये शुरू होगा। धीरे धीरे ये जो आपके पास क्वांटिटी है 6 टन पर डे, ये 300 टन पर डे हो जाएगी पैडी स्ट्रॉ को जो प्रोसेस किया जाएगा इस प्लांट के द्वारा। तो इससे जलाया भी नहीं जाएगा, तो इससे पॉल्यूशन भी कम होगा। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एनवायरनमेंट और पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के पर्सपेक्टिव में भी। तो ये एनवायरनमेंट, निकोलॉजी और पॉल्यूशन से रिलेटेड भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है मेंस में या प्री में। तो देखिए, 33 TPD ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस यूजिंग 8 डाइजेस्टर ऑफ 10,000 क्यूबिक मीटर्स। अब यहाँ पे 300 टन का जो पैडी स्ट्रो है उसे प्रोसेस किया जाएगा। तो कैसे? यहाँ पे 33 TPD कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स लगेंगे, जहाँ पे आपके पास 10,000 क्यूबिक मीटर्स के डाइजेस्टर्स लगेंगे 8, और उनकी मदद से ये जो हमारे पास पैडी स्ट्रो है इसे प्रोसेस किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें वैसे आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, आपने जगह याद रखनी है पंजाब का लेहरा गागा, और आपने क्वांटिटी ज़रूर याद रखनी है कि पर डे 6 टन पैडी स्ट्रो को है प्रोसेस करेगा, जब ये कमीशन हुआ है, और धीरे धीरे इसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी बढ़ानी है, 300 टन मैक्सिमम जो क्वांटिटी है वो बढ़ानी है पैडी स्ट्रो प्रोसेसिंग पर डे। देखो, इससे क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि पंजाब में एक जो स्टबल बर्निंग का इशू है उसे ये एड्रेस कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, ये जो CBG कंप्रेस बायोगैस प्लांट है, ये 1,00,000 टन जो पैडी स्ट्रो है उसे कंज्यूम करेगा, जो आपके पास 6 से 8 सैटेलाइट लोकेशंस हैं। तो पूरे के पूरे एरिया में जहाँ पर भी ये प्लांट लगाया गया है, उसके आसपास जो 10 किलोमीटर का रेडियस है, इतना 10 किलोमीटर का जो रेडियस है, इसमें 6 से 8 ऐसी सैटेलाइट लोकेशंस है, यानी इस प्रकार की कुछ जगहें हैं जहां से ये पैडी स्ट्रो को कलेक्ट करेगा। तो आई होप आप समझ रहे हैं कि जैसे मान लो ये प्लांट है, तो इसका ये 10 किलोमीटर का रेडियस का एरिया है, राइट। तो अब यहाँ पर कोई भी 6 लोकेशन जिसने
देख ली, 6 से 8 लोकेशन जिसने देख ली। अब ये यहाँ से जो भी पैडी स्ट्रो होगा उसको लेगा, उसको फिर इस प्लांट में प्रोसेस करेगा। तो इस प्रकार से 6 से 8 लोकेशन जो सैटेलाइट लोकेशन हैं उन्हीं से ये पैडी स्ट्रो अभी लेगा। इससे 1,00,000 टन पैडी स्ट्रो जो है वो ये कंज्यूम करेगा। तो देखिए इतनी ज़्यादा क्वांटिटी के पैडी जो पहले जलाई जानी थी अब वो यहाँ पे CBG प्लांट में प्रोसेस की जाएगी। इससे क्या होगा, फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर FOM बनेगा 600 से 650 टन एवरी डे, हर दिन इतनी ज़्यादा जब पैडी स्ट्रो को प्रोसेस किया जाएगा तो इससे बनाया क्या जाएगा, इससे बनाया जाएगा FOM दैट इज़ फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। कितना, 600 से 650 टन हर दिन। फिर इससे जो इतनी ज़्यादा खाद बनेगी इसे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए यूज़ किया जाएगा। अब ये जो प्लांट है, देखो इतना बड़ा प्लांट लगाया गया, इतनी बड़ी पैडी स्टो की जो समस्या है उसको ये एड्रेस कर रहा है। 100% तो सॉल्व नहीं कर रहा लेकिन कुछ ना कुछ एड्रेस तो कर रहा है। अब यहाँ पे इतनी बड़ी पैडी स्टो को प्रोसेस करना है, फिर यहाँ पे क्या बनेगा, मैन्योर बनेगा, तो यहाँ पे लेबर तो चाहिए। तो ये जो प्लांट है ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देगा 390 लोगों को, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देगा 585 लोगों को। तो लगभग लगभग 800-900 जो यहाँ पे लोग हैं उनको ये प्लांट की वजह से एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है। अब देखो ये जो प्रोजेक्ट है ये जो संगरूर डिस्ट्रिक्ट के फार्मर्स हैं, किसान हैं, उनकी इनकम बढ़ाने वाला है। और इससे जो स्टबल बर्निंग है 40,000 से 45,000 एकड़ की लैंड की, यानी इतनी ज़्यादा लैंड में जो स्टबल बर्निंग है, जो पैडी स्टॉक को जला दिया जाता था, उसको ये प्रिवेंट करेगा। तो ये देखो कितना इम्पॉर्टेंट ये एनवायरनमेंट या पैडी स्टॉक की जो समस्या है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है कि 40,000 से 45,000 एकड़ की जो ज़मीन है वहाँ जो स्टबल बर्निंग का इशू है उसे ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। अब इससे 1,50,000 टन की कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन हर साल ये कट डाउन करेगा, क्योंकि जब आप देखो पैडी स्टॉक को जलाया जाएगा, स्टबल बर्निंग होगी तो क्या रिलीज होगा, CO2 होगा, है ना। दिल्ली जैसे जो यूनियन टेरिटरी हमारी, वहाँ पे पोल्यूशन होता है हर बार, वहाँ के मुख्यमंत्री या वहाँ के लोग जो हैं वो बोलते हैं कि देखो जी इस समस्या का समाधान करो, समाधान करो। तो अभी ये कंप्लीट समाधान तो नहीं है क्योंकि जो स्टबल बर्निंग है वो एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन फिर भी एक पहल है, अच्छी पहल है, तो इस पहल का स्वागत होना चाहिए। तो इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन है 1,50,000 टन तक की इमिशन को कट डाउन इससे किया जाएगा। अब ये जो कंप्रेस बायोगैस प्लांट है ये एक स्टेप है टुवर्ड्स अचीविंग द गोल्स ऑफ क्या, सतत स्कीम दैट इज सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। ये सतत स्कीम के अंडर ये चीज़ हो रही है, ये आपने ध्यान रखना है। एशिया का सबसे बड़ा जो कंप्रेस बायोगैस प्लांट लगाया गया पंजाब में वो किस स्कीम के अंडर हुआ, वो हुआ सतत स्कीम के अंडर। देखिए सतत स्कीम क्या है, इंडियन गवर्नमेंट ने सतत स्कीम को लॉन्च किया था 2018 में टू सेटअप CBG दैट इज कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट्स अक्रॉस द कंट्री। ध्यान से देखिए पूरे के पूरे भारत में CBG कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स को, प्रोडक्शन प्लांट्स को सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट ने सतत स्कीम को लॉन्च किया। कब लॉन्च किया था, 2018 में, ध्यान रखिएगा। और ये जो CBG है ये यूज़ की जाएगी ऑटोमोटिव सेक्टर में। अब ये जो CBG है इसको प्रोड्यूस किया जाएगा नेचुरली, ऑब्वियसली हमने देख लिया, थ्रू प्रोसेस ऑफ एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ बायोमास। एनारोबिक का मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो एनारोबिक डिकम्पोजिशन होगी बायोमास की, जो आपके पास क्रॉप रेजिड्यू है, फिर जो आपके पास कैटल डंग है ना, गोबर है, शुगर क्रेन प्रेस मड है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वेस्ट है, इन सब से एनारोबिक डिकम्पोजिशन होगी बायोमास की, और फिर वहाँ से ये पूरा का पूरा नेचुरली जो है वो काम करेगा। तो इसमें कोई भी एडिशनल केमिकल का यूज़ नहीं किया जा रहा है, किसी ऐसी चीज़ का यूज़ नहीं किया जा रहा है जिससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो उसको नुकसान पहुँचे। सारा का सारा जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, नेचुरल हैं। तो इससे साथ क्या होगा कि इसके पास पोटेंशियल है कि जो आपके पास कंप्रेस नेचुरल गैस है ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूजेज़ के लिए, उसको हम फ्यूचर में रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये एक आपके पास जो रीन्यूएबल एनर्जी की बात हम करते हैं उसमें भी ये काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेगा। अभी तो ये इनिशिएशन है, धीरे धीरे इस स्कीम के अंडर जब और ज़्यादा प्लांट्स बनाए जाएंगे तो उससे फिर हमें ये भी एक फ़ायदा मिलेगा, पोल्यूशन को कंट्रोल करना भी एक फ़ायदा होगा और किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। तो ये था इसका एनालिसिस।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ऐसे जी के वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।